स्वागत है एक नए ब्लॉग में दोस्तों। आज हम जा रहे हैं ब्योहारी, जो अपने गांव से लगभग 45 किलोमीटर दूर पर है। और वो वहां हम क्यों जा रहे हैं, एक छोटी सी ज़मीन है वहां, उसको ख़रीदने की सोच रहे हैं। वो हमारे क्षेत्र के कस्बा है एक ठो, तो उसको देखने जा रहे हैं। और ये शॉर्टकट रास्ता है, ये कच्ची सड़क है। अभी तो हम घर से 2-4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये पहाड़ आप देख सकते हैं, ये तो ये खूबसूरत रास्ता है, जंगल पहाड़ होते हैं, शॉर्टकट भी पड़ता है। तो मैं आगे इसी रास्ते पे हमारे एक दोस्त मिलेंगे, रामजस यादव जी, उनको भी साथ में लेंगे और उनके साथ फिर आगे की यात्रा करेंगे। बाकी देखते रहिए आप। यह है रामजस यादव जी का घर और ये महुआ। महुआ कम दिखा रहा है भाऊ जी, कम गिरा था है। गेहूँ भयंकर है, गेहूँ गहा या हो गए, पुराना है। राम जस यादव कितने मिनट लगेंगे तैयार होने में? बस ज्यादा टाइम लगा कि राम जस तैयार हो चुके हैं। ये है अपनी बाइक और बाइक से हम निकलने वाले हैं व्यवहारी के लिए। चलो बैठो राम जस, बैठे। ये देखिए महुआ का बिनने का ये नया तरीका निकाले हैं। ये जाली लगी है, ये जाली में लेकिन महुआ नहीं, जाली में है। ऐसे करो पूरे महुआ पूरे पेड़ में लगावे जाली। अरे जाली में नहीं मिल पाई, कहाँ से लाया ऐसी जाली? पूरे में जाली लगा देती है, बिना ही करना पड़े। देखिए पब्लिक के साथ में सत्येंद्र सिंह बाघेल आज महुआ बिन रहे हैं। अरे भैया महुआ है, भैया महुआ। अरे महुआ बहुत कीमती है, महुआ। हालांकि बाजार में इसका रेट है नहीं, पर साल से रेट नहीं हुआ। अब ऐसे नहीं है, है हवा हवा कौन कैसे वाली क्या सुपर जंगल में गुलती खाने आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम पंचायत खड्डी से। कै रुपये वाली? 5 की 2 तो 10 की 2 आ जाए है, काहे 100 के है अपने पास। ए लाला चला, पहले गुलती था बाद में साइकिल चलाए। ले ए लाला, तू आ के खिलाई ले, तू आ के ले ले। अब उठी तू खावे खाली जी, शरत न करी। अरे कई ले दे सारा दरा करी के ले है के खड़ी कई देर स्कूटर है। चल ले एंटे आबा आउ ना ले ना। हो भौजी आए तो गुल्फी खा ले। ए भौजी तू ना खावे का हो, आबा गुल्फी खा ले। कैठ हो गए 1, 2, 4, 3, 4 क्यों खले ले के चमु ले ले तो छा जा हो जाए पूरा हो जाए। ये वाला ना दे यार, कुछ दूसरा दे। ये जंगल में हम लोग है गुल्फी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। अब बच्चों को भी खिला रहे हैं। कैसन लागा थी गुल्फी हो, कैसन लागा थी? ए मैं बोला बताओ बताओ, अच्छा है मीठी है गुल्फी, बोलो ना। ये जंगल के बीचों बीच से हमारा रास्ता निकल रहा है और हम लोग बड़े ही आनंद के साथ गुल्फी खा करके आगे बढ़ रहे हैं व्यवहारी की ओर। व्यवहारी की ओर बहुत जल्द व्यवहारी पहुंच जाएंगे। दोस्तों हम लोग आ गए हैं, ज़मीन जहां हम देखने आए हैं वही ज़मीन है और ये कस्बे से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, लगभग 10-12 डिसमिल है। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने गांव और ज़मीन पूरा देख करके सब काम निपटा करके, और आपने पूरा ब्लॉग देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।